हाँ जी बेटे, हाइपर कॉन्जुगेशन। सी दिस इज एन अल्काइल ग्रुप। प्रमोद प्रमोद बेटे, दिस इज एन एल्काइल ग्रुप अटैच टू अनसेचुरेटेड कार्बन। ठीक है, ये क्या है? एल्काइल ग्रुप अटैच टू अनसेचुरेटेड कार्बन। डीलोकलाइजेशन किसकी हो रही है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की। किसमें? पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ, या एम्प्टी पी ऑर्बिटल भी हो सकता है, या फिल्ड पी ऑर्बिटल भी हो सकता है, जब हम कार्बोकेटायन और कार्बोनेन आयन करेंगे। ठीक है, अब ये वाला जो बॉन्ड है डीलोकलाइज कहाँ हो गया? यहाँ पे। एंड ये वाला बॉन्ड कहाँ हो गया? आगे शिफ्ट। तो ये फर्स्ट हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बन गया। ये इसको क्या कहते हैं बेटे? अल्फा हाइड्रोजन। क्या कहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन है, दैट इज अल्फा हाइड्रोजन कार्बन। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, उतनी वो एल्कीन स्टेबल होती जाएगी। आपको एक क्वेश्चन आता है बेटे हाइपर कॉन्जुगेशन से, और ये क्लास 12th तक आप सेट्स ऑफ रूल पढ़ोगे, तब हम ये बोलेंगे कि हाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। ठीक है, द मोर एल्कीन इज सब्स्टिट्यूटेड मोर इट विल बी स्टेबल। अब हाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन से आपका क्या मतलब है? पहले तो ये समझो बेटे, जैसे ये मैंने एक कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाया हाइपर कॉन्जुगेटेड, वैसे अगर मुझे सेकंड बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगी? ये एच ऐसे, ये बॉन्ड फिर से दिखा देंगे, ये बॉन्ड लगा हुआ है यहाँ पे, फिर से डबल बॉन्ड, दिस वन वॉज, दिस इज द सेकेंड स्ट्रक्चर। ओके, नाउ व्हाट विल बी द थर्ड वन? यू विल शो अ नोन बॉन्ड बिटवीन दिस हाइड्रोजन एंड दिस कार्बन, सो इट इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। उदयवीर, ठीक है बेटे, सो तीन हमने नॉन बॉन्ड हाइड्रोजन दिखाए, दिस वन, दिस इज द सेकेंड वन, एंड दिस इज द थर्ड वन। तो हमारे पास इसके थ्री हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बने। गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ रही है? अब जितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बेटे उतना वो स्टेबल। जब मैं बोलती हूँ कि ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, इसका मतलब क्या है? ये एल्कीन है बेटे, इसके पास अल्फा कार्बन यही है जिसके पास थ्री एच है, तीन एच है, तो यहाँ पे तीन हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बने, इजंट इट? अब अगर मैं इस एच को हटा के एक और सी एच थ्री लगा दूं, ये कैसे लगेगा? सी एच थ्री ये हमारा एल्कीन है, ये टू अल्फा कार्बन हो गए, टू अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? सिक्स, तो यू विल गेट सिक्स हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो तीन ये नॉन बॉन्ड रेजोनेंस दिखाओगे, थ्री आप इनकी नॉन बॉन्ड रेजोनेंस दिखाओगे। समझ आ गई? तो ये इससे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन गए, गॉट इट? अब मैंने इसका एक और हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। अब तो एक सी एस थ्री ये रहा, एक सी एस थ्री ये रहा, ये डबल बॉन्ड सिस्टम है उसकी, ये भी अल्फा कार्बन है, तो एक अल्फा कार्बन ये रही, एक ये रही, आपके पास टोटल अल्फा कार्बन कितनी बनी? थ्री। तो कितने स्ट्रक्चर बनेंगे अब? नाइन।
समझ आ गई। अब अगर मैं सी डबल बॉन्ड सी अब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है बेटे, कितने बनेंगे 12। तो जितने ज्यादा स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबल। अब ये क्वेश्चन बताओ कि यू हैव ब्यूट वन इन और ब्यूट टू इन, कौन सी स्टेबल होगी? हरी अब ठीक है, ब्यूट टू इन विल बी स्टेबल। देखो कैसे, खुद देखो, बनाओ स्ट्रक्चर्स पहले। ब्यूट टू इन, दिस इज ब्यूट टू इन, नथिंग। ये कौन सी इन है? ब्यूट टू इन है, हाँ कह दे आराम से, ये ब्यूट टू इन है। कितने कार्बन है? ब्यूट टू इन हो सकती है। अच्छा अब आप मुझे बताओ ब्यूट टू इन और ब्यूट वन इन में कौन सी स्टेबल है और क्यों? ड्रॉ कर ली ब्यूट टू इन ब्यूट वन इन, मैंने आपका पेन पकड़ के बेटे ड्रॉ नहीं करनी। ये देखो ये क्या है, ब्यूट ये क्या है, ये डबल बॉन्ड का सिस्टम है, इसकी ये अल्फा कार्बन है, इसकी ये अल्फा कार्बन है, टोटल कितने स्ट्रक्चर है? सिक्स। ये डबल बॉन्ड सिस्टम है, क्या इधर कोई अल्फा कार्बन नजर आ रही है? नो। इसके साथ जो कार्बन है उसके पास कितने हाइड्रोजन है, कितने स्ट्रक्चर बनेंगे इधर, कितने बनेंगे, कौन सी स्टेबल हो जाएगी? दो ही बनेंगे, ये दो हाइड्रोजन है बेटा, वो अल्फा नहीं है, वो बीटा नेक्स्ट है, ओनली अल्फा कार्बन। इस कार्बन और ये जो पास में पड़ा है इसके साथ ही नो बॉन्ड रेजोनेंस हो सकती है, दूर कहाँ भाग सकते हो आप, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम रह ही नहीं गया। अल्फा कार्बन देखनी है, बीटा नहीं देखनी नेक्स्ट वाली। नाउ जो बेटे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, व्हाट आर रिएक्टिव इंटरमीडिएट? फर्स्ट कोई भी ऑर्गेनिक में रिएक्शन होती है बेटे तो कोई मैकेनिज्म फॉलो होता है। अब उसकी डिटेल मैकेनिज्म में जाओगे आप तो आपको एक छोटे से टाइम के लिए एक स्पीशीज बनती है। वो थोड़े से टाइम के लिए क्यों बनती है? इधर उनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस होती है या डेफिशिएंट होती है, कुछ ऐसी होती है। अब कोई भी एटम है वो न्यूट्रल एग्जिस्ट करता है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या रिच बहुत मुश्किल है, बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, दो टर्म आप यूज करोगे ऑर्गेनिक में, एक होती है बेटे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स और दूसरी टर्म आप यूज करते हो ट्रांजिशन स्टेट। रिएक्टिव इंटरमीडिएट सचमुच एग्जिस्ट करती हैं थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। एक ट्रांजिशन स्टेट है वो हमारी हाइपोथेटिकल स्टेज है कि ऐसा हो रहा होगा, वो भी हम केमिस्ट्री में टर्म यूज करते हैं। ऑर्गेनिक में जब आप मैकेनिज्म पूछो बनाओगे तो यू विल से कि वन ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्मिंग, दैट इज ए हाइपोथेटिकल स्टेट, वी कांट आइसोलेट इट, ठीक है, बट वी कैन आइसोलेट द रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, उनको हम आइसोलेट कर सकते हैं।
ठीक। अब देयर आर फाइव रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बट इन द सीबीएसई सिलेबस देयर इज ओनली थ्री, ठीक। फाइव के नेम लिख लो, वन इज कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन। दीज टू आर नॉट इन सीबीएसई सिलेबस, ठीक है। अदरवाइज कार्बीन एक रिएक्शन आएगी प्लस टू में, तब हम बनाएंगे, देन आई टेल टू यू। CCl2 एक कार्बिन आएगी, उसमें भी सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाउ इट इज फॉर्म विल डू दैट। नाइट्रीन नहीं आएगी कभी भी, ठीक है। आगे जाके आते ही नहीं है ट्वेल्थ में, मैं वही बोल रही हूँ कि एक ही रिएक्शन आती है रीमर टीमर क्लास ट्वेल्थ में, तो मैं वहां पे कार्बिन आपको वहीं बता दिया जाता है। कार्बिन एक कार्बन डेफिशिएंट है, सिक्स कार्बन सिक्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो बॉन्ड लगे होते हैं, दो लोन पेयर की फॉर्म में होते हैं, आई टेल देयर एंड दैट ओनली, ठीक है। हाँ, ये तीन चीजें आएंगी, ये तीन चीजें बनेगी, इससे भी कार्बोनाइन बहुत कम बनता है। आप जो रिएक्शंस पे बनाओगे वो कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल्स बनाओगे। फ्री रेडिकल्स एल्केन में बनाओगे या एल्कीन में भी एक आधी रिएक्शन में बनता है, कार्बोकेटाइन तो एल्कीन में बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद द कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन के नेम से पता चल रहा है कि केटाइन जो कि पॉजिटिव चार्ज होगा, जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वो कार्बोकेटाइन। ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा, क्योंकि दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है, क्योंकि इसके पास सिर्फ सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझ आ रही है। अब जैसे कि CH3Cl है, ये कोवलेंट बॉन्ड था, दिस इज वॉज कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब ये क्लोरीन का ये एक इलेक्ट्रॉन था और एक ये इलेक्ट्रॉन था, गेटिंग माई पॉइंट। तो ये क्लोरीन अपना तो लेके गया ही, साथ में इसका भी ले गया, तो ये क्या बन गया बेटे, CH3 पॉजिटिव, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन जा चुके, और Cl नेगेटिव। तो इसको क्या बोलोगे, मिथाइल कार्बोकेटाइन। व्हाट इज कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन इज अ रिएक्टिव इंटरमीडिएट which is formed for the short time having sextet of electrons, ठीक। six electrons होते हैं, six रह गए आसपास, six रह गए, अगर six रह गए तो hybridization क्या रहेगी, sp2, क्या रहेगी इसकी, sp2, क्योंकि methane क्या होता है बेटे, sp3। अब इसका एक p तो vacant रह गया, ये वाला पी तो वेकेंट हो गया, कार्बन के sp3 में से एक में इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। अगर इफ यू रिमेंबर, कार्बन इज दिस, कार्बन इज दिस, this is the excited state of carbon. Now this one electron is taken by chlorine. Now how much remaining electron are there? 1, 2, 3. So in तीनों ने किसके साथ covalent bond बनाया हुआ है? Hydrogen के साथ. ये वाला electron तो chlorine ले गई. अब ये p ऑर्बिटल वेकेंट हो गया, दिस p ऑर्बिटल इज वेकेंट,
तो ये तीनों फील्ड है हैविंग सिक्स इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई, गेटिंग माय पॉइंट? सो तो ये एक बॉन्ड हो गया, ये एक बॉन्ड हो गया और ये एक बॉन्ड हो गया। अगर मैं मिथाइल की बात करूं, मिथाइल के अलावा किसी की भी बात करूं तो यहां पे आर आर लगा दोगे आप, नवकीरत, नवकीरत पहले लगी, रोल नंबर 31 देखो लगा हुआ, बस बोलिए। सो दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट, ओके? सो दिस इज द फर्स्ट, मैंने क्या बनाया, ये मिथाइल, दिस इज अ मिथाइल। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोकेटाइन? दिस इज sp2। व्हाट इज द शेप ऑफ द कार्बोकेटाइन? इट इज अ ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक, with one empty p orbital, the electron of which is taken by any kind of the group which is attached, which is more electronegative, okay? कब बना ये? जब हिट्रोलिटिक क्लीवेज हुई, हिट्रोलिटिक क्लीवेज और फिशन यू हैव डन, when there is uneven fission, then you will get cations and anions. Got it? So it will be formed during this kind of reaction. जब भी हम ऐसा कोई ग्रुप लेंगे, जैसे मिथाइल तो नहीं देगा क्योंकि मिथाइल कार्बोकेटाइन इतना स्टेबल नहीं होता, जब टर्शियरी आपके पास होगा तो आप कार्बोकेटाइन बनाओगे, विल फॉर्म कार्बोकेटाइन। Got it? समझ आई? अब let us see the order of the stability. और order of stability हमेशा आपको याद रहना चाहिए बेटे, it will be continue to the class 12th. And in the class, in class plus one, we will ask why they are stable. 12th में आपको पता ही होना चाहिए stable. अब paper में question why का आएगा कि arrange these following in the increasing order of the stability and why they are stable. Class plus two में why नहीं है, पता ही है आपको, ठीक है? अब why अभी समझ लो। तो कार्बोकेटाइन्स आर स्टेबल फर्स्ट ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, फर्स्ट फैक्टर एक्सप्लेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज इंडक्टिव इफेक्ट। सो आई हैव टोल्ड यू इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओनली वन ग्रुप हैज पॉजिटिव आई इफेक्ट, दैट इज कार्बन इटसेल्फ। कार्बन को कार्बन ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कार्बन को कार्बन के अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं देता, बाकी सारे कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, ठीक है? ये बाकी सारे कार्बन से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड यू हैव थ्री ग्रुप अटैच टू इट, दिस इज अ कार्बोकेटाइन विच इज हैविंग थ्री एल्काइल ग्रुप, that is tertiary carbocation. plus 2b ke lecture start ho gaya, theek hai? this is a tertiary. what is tertiary? carbon having positive charge and three alkyl groups are attached, okay? now this will be secondary carbocation. this is a carbocation and two alkyl group are attached, that is why it is a secondary carbocation, theek hai? now this is a carbon having one group attached, so it is a primary carbocation. this has only one group attached. ग्रुप का मतलब ये नहीं है बेटे अकेला मिथाइल लगाओ, ग्रुप का मतलब है
यहाँ पे मैं इथाइल भी लगा सकती हूँ, यहाँ पे मैं प्रोपाइल भी लगा सकती हूँ, मीन कितने आर ग्रुप लग गए, ठीक। एंड दिस इज मिथाइल कार्बोकेटायन। क्या बेटे? हाँ यार टू आए, कार्बोकेटायन मिथाइल रह गया अकेला, मिथेन का एच गया तो क्या रह गया? मिथाइल, ठीक है। जैसे मिथाइल क्लोराइड, दैट इज मिथाइल। अब द ऑर्डर इज दिस, द स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी। अब ये कार्बन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये कार्बन तभी स्टेबल होगी जब इसकी डेफिशिएंसी कोई कम करेगा। समझ आ रही है? तो डेफिशिएंसी कौन कम करेंगे? ये जो ग्रुप अटैच्ड है, ये क्यों कम करेंगे? क्योंकि इनका प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट है, ड्यू टू प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट दे विल गिव इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स दिस कार्बन एंड इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दिस कार्बन, हेंस मेकिंग दिस कार्बन स्टेबल। ओके, इफ टू एल्काइल ग्रुप इज अटैच, तो ये दो दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्लस आई, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम इंटेंसिफाई हो रही है एज कंपेयर टू दिस, तो दिस इज लेस स्टेबल। देखो बनते बेटे ये रिएक्शन के बीच में है, अब रिएक्शन के जब बीच में बन रहे हैं कौन सा बनेगा और कितनी देर के लिए बनेगा, जितना वो स्टेबल होगा उतनी देर के लिए बनेगा, जितना वो अनस्टेबल होगा जैसे कि मिथाइल है उसकी प्रोबेबिलिटी बनने की बहुत कम है, वो बहुत कम बनेगा, ठीक है, क्योंकि वो स्टेबल ही नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? तो टर्शियरी विल बी मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। Got it? And taking now another example, ये tertiary, secondary, primary का order हमेशा याद रहना चाहिए। अच्छा अगर आपके पास ये है, और आपके पास ये है, तो दोनों में से कौन सा stable है? ये कि ये वाला, वेरी गुड, यू आर क्लियर विद ऑल द कंसेप्ट। यू डोंट नो क्लोरीन इज माइनस आई, क्लोरीन इज अ माइनस आई, अगर जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है वो स्टेबल कर रहा है इसको, जो कार्बोकेटाइन आगे बेचारा तरसा पड़ा इलेक्ट्रॉन के लिए, उससे और कोई खींचने वाला आ गया उसकी स्टेबिलिटी कम करेगा। आपके पास कुछ आगे नोट्स ढूंढ नहीं रहे, जो दो पेज बचे थे पेपर वाले दिन वो भी उठा के ले गया आपकी कॉपी में से, बुक बैग में से, तो आप स्टेबल हो? आप तो पागल की तरह घूमोगे, कहाँ गए मेरे पेजेस, वेयर आर माय नोट्स जो मैंने बनाए थे, आगे मुझे कुछ नहीं आ रहा, ऊपर से और मेरी बैग में से निकाल के ले गया, आप तो इधर उधर घूमोगे, कहो आप स्टेबल? आगे उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्लोरीन लगा दिया आपने उसके पीछे, उसे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, क्या वो स्टेबल कर रहा है उसको? ये आपके कंसेप्ट क्लियर है? मैंने आपको एक चीज बताई है बेटे, केमिस्ट्री में प्लस आई वाला एक ही है, खुद कार्बन, उसके अलावा कोई भी ग्रुप लगा दो उसने इलेक्ट्रॉन खींचने खींचने, और जो कार्बोकेटाइन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्या वो स्टेबल करेगा उसको? उसको अनस्टेबल करेगा। कार्बोकेटाइन को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आपको खिंचवाने वाला लगा दिया वो तो अनस्टेबल, आप स्टेबिलिटी ये है।
जितने आप बेटे माइनस प्लस आई वाले लगाओगे, प्लस आई वाले स्टेबल करेंगे, माइनस आई वाले उतने कार्बोकेटाइन को अनस्टेबल करेंगे। समझ आ रही है? हमने केटाइन जो इलेक्ट्रॉन से तरसा पड़ा उसको इलेक्ट्रॉन देने हैं, उससे लेने नहीं है। ले लिया, अनस्टेबल होके घूमेगा इधर उधर कि कहीं से मुझे इलेक्ट्रॉन मिले। गेटिंग माई पॉइंट? मोर इज प्लस आई ग्रुप, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। मोर माइनस आई ग्रुप, लेसर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक? सो ओनली प्लस आई ग्रुप इज वन इन केमिस्ट्री, दैट इज कार्बन इटसेल्फ, रेस्ट ऑल आर माइनस आई। ओके, जो मर्जी लगा दो मैं तो, फ्लोरीन ज्यादा खींचेगी क्लोरीन से, तो फिर क्लोरो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इट बट ऑब्वियस है, इंडक्टिव इफेक्ट आप कर चुके हो। हर तरफ से आपके दिमाग चलने चाहिए। माइनस आई और प्लस आई आर द डिस्टेंस इफेक्ट। माइनस आई और द प्लस आई डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द ग्रुप अटैच्ड। जिस ग्रुप का माइनस आई ज्यादा होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। एंड ऑर्डर वी हैव ऑलरेडी डन। इसके अलावा बेटे, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रेजोनेंस, इसी में दिस इज नोन एज, राइट डाउन फर्स्ट, अलग से लिखो, रेजोनेंस के अंडर मत लिखना ये। दिस इज नोन एज बेटे टॉलवीन, यू आर अवेयर, दिस इज नोन एज टॉलवीन। ठीक? अगर ये सी एच थ्री से मैं एक एच रिमूव कर दूं और यहां पे मैं कोई फंक्शनल ग्रुप ले रहा हूं, ठीक है, एक एच रिमूव किया ना, तो जैसे हम मिथाइल बोलते हैं वैसे ये बन जाएगा बेंजाइल। क्या बन जाएगा? बेंजाइल। और अगर मैं यहां से सीएल गायब कर दूं, ये बन जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। तो अगर मैं सीएल गायब कर दूं और यहां पे मैं पॉजिटिव चार्ज ले आऊं तो ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, दैट इज अ बेंजाइल कार्बोकेटाइन। इन द सेम वे अगर मैं एक और H रिमूव कर दूं और दो Cl ले आऊं, अब ये बेंजाइल है, अब ये बन जाता है बेंजल। व्हाट इज दिस? बेंजल। सो इट विल बी बेंजल क्लोराइड। ठीक है? अगर तीनों H रिमूव कर क्लोरीन ले आऊं तो इट इज बेंजो।